हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे बहुपद के बारे में, मतलब पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पहला चर और दूसरा होता है अचर। ठीक है, चर को बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चर होता है और अचर होता है। चर वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे हमने ए से लेकर के जेड तक के बीच में कोई भी हमने वर्ड लिख दिया, कोई भी लेटर लिख दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे और उसे वेरिएबल बोलते हैं। अचर किसे बोलेंगे, तो जैसे हमने मान लिया गिनती हमने, या फिर कोई भी रियल नंबर लिख लीजिए, मान लिया हमने लिख दिया 1 2 9 7, ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। इसका मतलब चर और अचर में अंतर क्या है, तो जैसे अगर यहाँ पे हमने 2 लिख दिया तो ये कहीं भी लिखा जाएगा या फिर कहीं भी रहेगा, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको बोलते हैं अचर। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई भी वस्तु अगर हम आपसे पूछे ये कितनी उंगली है, तो आप बोलेंगे 2। ठीक है, अगर हम दिल्ली में जा किसी को बोलेंगे कितनी उंगली है, तो वह भी बोलेंगे 2। हम अमेरिका में जाके बोलेंगे तब भी वो उसका मतलब होगा क्या, 2। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। जबकि हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम लोग जनरली हम लोग x के रूप में मानते हैं, तो x की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग हो सकती है। तो हमने देख लिया चर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, जबकि कांस्टेंट अचर क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करके हम लोग यहाँ से पॉलिनोमियल की डिफिनीसन निकालेंगे। जैसे मान लिया हमने कोई वेरिएबल ले लिया, इसमें मान लेते हैं इसके बीच में हमने x, y, z जो भी आता है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल ही बोलेंगे। हमने वेरिएबल के तौर पे हमने x ले लिया, कांस्टेंट के जगह पे मान लिया हमने 5 ले लिया। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दें, ठीक है, तो ये बहुपद बोले जाएंगे। अगर इन्हीं के बीच में माइनस का साइन लगा दें तो ये बहुपद बोले जाएंगे। अगर इन्हीं के बीच में n2 का साइन लगा दिया जाए तब भी ये बहुपद बोले जाएंगे। और इनके बीच में अगर डिवीजन का भी साइन लगा दिया जाए, ऐसे लिखें या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं x/5 के रूप में, तब भी ये क्या बोला जाएगा, बहुपद बोला जाएगा, पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस का साइन, माइनस का साइन, इनटू का साइन, डिवीजन का साइन लगाकर अगर लिखा जाता है तो वो सारे के सारे क्या बोले जाएंगे, पॉलिनोमियल बोले जाएंगे, बहुपद बोले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो वेरिएबल होगा उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि पावर ऑफ वेरिएबल टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए किसका, पावर। ठीक है, किसका, वेरिएबल का। जैसे कि मान लेते हैं अगर x लिखे हैं तो इसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगर इसी का पावर जहाँ भी लिखें, अगर ये माइनस के रूप में आ जाता है, मतलब अगर -2 लिख दिए तो ये पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अगर हमने लिख दिया कि x^-2 + 5 तो ये पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे इसका पावर क्या था, 1 था, चूँकि 1 क्या है, इंटीजर है और क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए ये पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अगर इसका पावर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे कि मान लिया कोई वेरिएबल हमने लिखा x और इसका पावर 1/2 लिख दिया, तो ये 1/2 इंटीजर तो है नहीं, ये इंटीजर नहीं है, तो अब ये किस में है, फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। जैसे कि x^2 + x^3/2 + 5 अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो देखेंगे इसका पावर यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में है, तो बस यहीं से हम लोग कह देंगे कि ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो बहुपद का हमने डिफिनीसन क्लियर कर लिया कि इसमें वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो आपके बुक में डिफिनीसन लिखा होता है उसको समझ लेते हैं, वो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमने मान लिया लिख दिया a0 + a1 x^1 + a2 x^2 + a3 x^3 और ऐसे हम लोग लिखते जाएं n टर्म्स तक अगर लिख दिया जाए, तो लिखेंगे an x^n। ठीक है,
आपकी बुक में लिखा है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स अगर इस रूप में लिखे गए हैं जहाँ पे a0, a1, a2, a3, an इस वेरिएबल के क्या हैं, कोफिशियंट्स हैं, ठीक है, गुणांक हैं। अब अगर यहाँ पे an 0 के बराबर नहीं है, उस दशा में इसका पावर बोलेंगे कितने के बराबर है, n के बराबर है, तो लिख लेंगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू n। अगर इसका पावर, देखिए इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, 2, 3 बढ़ते हुए सबसे अधिक क्या है, n है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो पावर है, मैक्सिमम पावर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, n। अगर ये an 0 हो जाता तो ये टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाता, तब इसका पावर इससे कुछ कम आता, ठीक है, उसको भी अभी देखा जाएगा आगे। तो ये समझ में आ गया, आपके बुक में लिखा होगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x टू द पावर 1 प्लस a2x टू द पावर 2 प्लस a3x टू द पावर 3 और इस तरीके से लिखा रहे, तो वहाँ पे an अगर 0 के बराबर नहीं है तब पॉलिनोमियल का पावर n होगा, जहाँ पे a1, a0, a2, ठीक है, और a3, ऐसे अगर an लिखे हैं तो ये सारे के सारे क्या बोल जाएंगे, कोफिशियंट बोले जाएंगे, कॉफिशियंट मतलब गुणांक बोले जाएंगे, ठीक है ना, ये कॉफिशियंट बोले जाएंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें कुछ भी रख सकते हैं, a1 के जगह पे मान लिया 2 रख दिया, a2 के जगह पे 5 रख दिया, a3 के जगह पे 9 रख दिया, इस तरीके से अगर बनाएंगे तो हमको क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे कि अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म को निकालेंगे, ठीक है ना, तो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या उसी को हम लोग बोलते हैं मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है इसे देखेंगे। तो अगली टॉपिक आती है बहुपद का मानक रूप, ठीक है, तो बहुपद का मानक रूप हमें देखना है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं बहुपद के मानक रूप से पहले क्या, कि बहुपद की घात, ठीक है ना, हम लोग बहुपद की घात देखते हैं। अगर हम लोग लिखें ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे a b c कांस्टेंट टर्म होंगे और x इसमें क्या है, वेरिएबल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, इसमें तो x है ही नहीं, तो इसका पावर तो कुछ नहीं है, इसमें x है ही नहीं, तो यहाँ पे x छुपा हुआ है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं इसको सी एक्स टू दी पावर तो 0 लिखा जा सकता है। अब देखिए इसकी पावर 2, 1, 1 से कम 0, घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें जो वेरिएबल का जो सबसे अधिक पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। इसमें बहुपद की घात है 2, ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात, आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि इस बहुपद की घात बताइए, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 2, ऐसे हमने मान लिया लिख लिया 5x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें आपसे पूछेगा कि बहुपद की घात क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं बहुपद की घात मैक्सिमम पावर यहाँ पे है क्या 3, तो लिख देंगे 3। बहुपद का मानक रूप भी इसी से समझ सकते हैं, जैसे इनमें जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके पावर्स को हम लोग असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। पहला होता है आरोही क्रम, इसको असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा होता है अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर वेरिएबल के पावर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके लिख दिया जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद का मानक रूप। जैसे कि अब हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में न लिख करके हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कोई, मान लेते हैं अगर आपको दे दिया जाए x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 9, आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दे और पूछे कि इसमें बहुपद का घात बताइए, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसमें जो भी वेरिएबल है उनके पावर्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, ठीक है। अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए पावर, इसका मतलब अगर हम लोग लिखें आरोही क्रम में
आरोही क्रम में अगर लिखना चाहते हैं इसको, तो लिखेंगे सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा है 3, तो x का पावर 3, इसके बाद क्या आएगा x टू दी पावर 4, इसके बाद क्या आएगा x टू दी पावर 5, उसके बाद x टू दी पावर 6, और उसके बाद x टू दी पावर 9। तो इनकी पावर को हम लोग बढ़ते हुए क्रम में सजाए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। और पावर किस रूप में है, तो असेंडिंग ऑर्डर में है। और मैक्सिमम पावर आप बता दीजिए, मैक्सिमम पावर 9 है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे बहुपद की घात क्या हो गई, बहुपद की घात हो गई हमारी 9 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके लिख सकते थे, सबसे पहले इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे, उसको भी लिख लेते हैं अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम में पावर्स को कैसे लिखेंगे, तो अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है जी, x टू दी पावर 9 का, इससे कम क्या है x टू दी पावर 6 का, इससे कम क्या है x टू दी पावर 5 का, इससे कम है x टू दी पावर 4 का, इससे कम है x टू दी पावर 3 का, बस यहीं तक था। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, तो पावर्स इसके किस ऑर्डर में जा रहे हैं, घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा था, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो ये बहुपद का हो गया मानक रूप किस क्रम में, अवरोही क्रम में। और इसमें भी मैक्सिमम पावर इसका क्या है, 9 है, तो कह सकते हैं कि बहुपद का मानक रूप है, और बहुपद की घात पूछेंगे तो 9 हो जाएगी। अब अगर हम लोग दूसरा कोई क्वेश्चन ले लें, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 3x टू दी पावर 7 प्लस x टू दी पावर 2, कहीं अच्छा है इसको कर लीजिए 12 कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बहुपद का घात बताइए और इसको मानक रूप में सजा करके लिखिए। तो हम लोग इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके लिख सकते हैं। तो हम लोग जनरली कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसके पावर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, जैसे कि x टू दी पावर 12 सबसे बड़ा, इससे कम पावर किसका है, इसका है, तो लिख लेंगे 3x टू दी पावर 7 प्लस 9x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर, ये पावर 12, से कम 7, से कम 3, इससे कम क्या था, 2 था। अब ये मानक रूप में सज चुका है, किस क्रम में है, तो अवरोही क्रम में है, किस क्रम में है, अवरोही क्रम में, क्या है तो वेरिएबल का पावर किस रूप में है, अवरोही क्रम में है। और आपसे पूछा जाएगा बहुपद की घात बता दीजिए, तो लिख लेंगे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 12, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। हमने बहुपद के घात के बारे में पढ़ लिया और उसको मानक रूप में सजाना भी पढ़ लिया। बहुपदों के कुछ प्रकार होते हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग होगी हम लोग की बहुपद के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें इसका पहला प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। चौथा हो जाता है शून्य बहुपद, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा हमें, शून्य बहुपद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पदी को बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एक पदी बहुपद, अच्छा बहुपद के बारे में तो हमने पढ़ के आया पीछे, अब इसके प्रकार के बारे में हमको पढ़ना है, एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद होते क्या क्या हैं, इसके बारे में जानने से पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। कोई भी दो इसके टर्म के बीच में प्लस का या फिर माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, तो वो हम लोग उसके बाद उस टर्म को क्या बोलेंगे, अलग अलग मानेंगे। जैसे कि मान लेते हैं x प्लस 5 इसके पहले जैसे लिखे थे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये अलग पद है और ये अलग पद है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसी को लिख दें 5x, तो इस टोटल को मिला करके हम लोग एक पद मानेंगे, ठीक है, इसको समझिएगा।
अगर इनके बीच में प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये अलग अलग पद इसको मानेंगे, अलग अलग इनको गिनेंगे, ठीक है। जबकि अगर इनटू का साइन रहेगा तो इनको एक साथ गिनेंगे, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं बटे में कोई है, एक्स अपन फाइव है, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, एक ही मानेंगे, ठीक है। ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन यहाँ पर एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो प्लस का साइन रहेगा या फिर माइनस का साइन रहेगा। एक्स और माइनस फाइव लिखें, यहाँ भी आपसे पूछा जाए कितने पद होंगे, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो एक पदीय बहुपद में पदों की संख्या केवल एक होनी चाहिए, जैसे कि मान लिया हमने लिख लिया 5x, एक पदीय बहुपद है, इसको मोनोमियल बोलेंगे। जैसे हमने केवल 2 लिख दिया तो कहेंगे इसमें तो x है ही नहीं, जब x नहीं तो बहुपद कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि x टू दी पावर 0 तो लिखा जा सकता है। अगर हम लोगों ने x टू दी पावर 0 की वैल्यू को पूछा कितना होता है, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 1, क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि ये 2 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आगे देख लेते हैं, अंडर रूट 2 × x^2, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। वेरिएबल का पावर क्या है, पॉजिटिव है, और 2 क्या है, इंटीजर है, इसलिए बहुपद है। यहाँ तक क्लियर, तो मोनोमियल क्लियर हो गया। मोनोमियल में होगा क्या कि इसमें एक ही पद होंगे, देखिएगा एक ही पद होंगे, इनके बीच में कहीं भी प्लस या फिर माइनस का साइन नहीं आ रहा है, इसलिए उनको एक पद मान रहे हैं। और कुछ लिख सकते थे, मान लिया हमने लिख लिया x^12, ये भी तो एक बहुपद है। अब कहेंगे इसमें कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो कॉन्स्टेंट टर्म कुछ नहीं होता है जिसके साथ उसको एक से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ। द्विपदीय, जैसे x+2 में एक ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इसमें टर्म कितने आ गए, 2, एक ये और एक ये, 2 पद, तो इसलिए इनको बोलेंगे द्विपदीय। और क्या हो सकता है, ये एक साथ हो गए, 5+2x, ये भी एक पदीय, 2 पद हो गए। और लिख सकते हैं x²+9, ये क्या है, ये भी द्विपद है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये सब दोनों को एक साथ ले लेते हैं। त्रिपद में इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जैसे कि x²+5x+6। इसमें अब आप पदों की संख्या को गिन के देखिए, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने पद हो रहे हैं, 3, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपदीय। आगे चलते हैं, और लिख सकते हैं इसी तरीके से x^9+5x^6+4x2, बस इतना ही रख लेते हैं। तो इसमें देखिए पदों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, क्लियर है। इसके हेडिंग से ही इसकी डिफिनीशन क्लियर हो जा रही है कि एक पदी मतलब इसमें पदों की संख्या केवल 1 होगी, द्विपदी इसमें पदों की संख्या केवल 2 होगी, त्रिपदी इसमें पदों की संख्या 3 होगी। लेकिन सबसे जरूरी, शून्य बहुपद किसे कहेंगे, ठीक है, शून्य बहुपद किसे कहेंगे। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख लीजिए और उसके जितने भी कोफिशियंट है उनको कितने के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिएगा, वो क्या बन जाएगा, शून्य बहुपद बन जाएगा। जैसे कि हम लोग लिख लिया, अभी यहीं पे लिखे थे x²+5x+6 के रूप में लिखे थे, यहाँ पे कोफिशियंट इसके क्या हैं, हम लोग इसको जनरल रूप में लिख लेते हैं ax²+bx+c। ये एक द्विघात समीकरण को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे a को भी कर दीजिए 0 के बराबर, b को भी कर दीजिए 0 के बराबर, c को भी कर दीजिए 0 के बराबर, और वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0 × x²+0 × x+0, ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब शून्य बहुपद वो होते हैं जिसमें उसके जो भी कांस्टेंट टर्म है वो कितने के बराबर हो जाएं, 0 के बराबर हो जाएंगे, तो वो बहुपद क्या बोला जाएगा, शून्य बहुपद बोला जाएगा, ठीक है। अब शून्य बहुपद का अगर आपसे घात पूछेगा कि इसकी अधिकतम घात कितनी हो सकती है, तो शून्य बहुपद की अधिकतम घात आप अनंत तक लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको लिख सकते हैं नॉन डिफाइंड। क्या है, नॉन डिफाइंड, क्या, तो शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात नॉन डिफाइंड है, मतलब ये अनंत तक भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लिया हमने लिख लिया x^1002, ठीक है। अब हमने इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो a वाला टर्म था वो अगर 0 के बराबर हो गया, तो ये इसमें घात तो 102 था, अलग क्वेश्चन के लिए। और हमने 10,000 कुछ लिख सकते थे, 1,00,000, 10,00,000, 10 करोड़ भी लिख सकते थे घात, तो घात तो इसका नॉन डिफाइंड होगा,
ठीक है। लेकिन ये बहुपद में, शून्य बहुपद में इसका मान कितने के बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा, इतना क्लियर। अब हमने इसके पहले बहुपद के घात के बारे में जब पढ़ लिया, तो बहुपद के घात के ही आधार पर बहुपदों के प्रकार को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मिटा दें इसे, चलिए आगे आगे समझ लीजिए। बहुपदों के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के घात के आधार पर हम लोग बहुपद के प्रकार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें घातों के आधार पर निकालना है ना, तो पहला हो सकता है एक घातीय, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, इसी को बोल लेंगे लीनियर। एक घातीय बोले हैं, लीनियर बोले हैं, या फिर इसी को हम लोग रैखिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रैखिक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा द्विघातीय, द्वि मतलब दो, घातीय मतलब दो घात वाला। तीसरा हो जाएगा त्रिघातीय, त्रिघातीय। चौथा हो जाएगा चतुर्थ घातीय, चतुर्थ घातीय, ठीक है। इसे समझिएगा, एक घातीय बहुपद लीनियर, या फिर इसी को हम लोग रैखिक बोल सकते हैं। दूसरा ये क्या है? द्विघातीय, इसको बोल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघातीय, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लोग लिखते रहिएगा। अब इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। इसका मतलब है क्या? एक घातीय बहुपद में अगर हम लोग इसका एग्जांपल लिखना चाहते हैं, जैसे कि x प्लस फाइव में x का मैक्सिमम पावर है कितना? 1, एक घात वाला है, इसीलिए इसको हम लोग रैखिक समीकरण भी बोलेंगे। क्योंकि जब हम लोग निर्देशांक जब देखेंगे x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश के ऊपर, तो ये जब इस ये इससे होकर के केवल एक ही लाइन गुजरेगी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक, ठीक है। एक रेखा बन जाएगी इस इक्वेशन को, अगर हम लोग सॉल्व करके अगर लिखना चाहें तो क्या बन जाएगी? एक केवल रेखा बन जाएगी। क्वाड्रेटिक, इसमें क्या है? द्वि मतलब दो, घातीय मतलब घात वाला, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये दो घात हो गए। इसमें बहुपद का घात अभी भी हम लोग पीछे पड़ के आए हैं, बहुपद का घात इसमें क्या हो गया? दो हो गया। त्रिघातीय, जैसे हमने मान लिया एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना था? 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसी तरीके से चार घात वाला आप लिख लीजिएगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस थ्री एक्स का पावर 3 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चार घात वाला हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस बहुपद का जितना पावर होगा उसकी उतनी उतने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, या उसकी उतनी वैल्यू निकल सकती है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसके केवल एक ही वैल्यू निकल पाएगा, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू केवल एक ही पॉसिबल है। इसमें पावर 2 है, इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है। इसमें पावर 3 है, इसका 3 वैल्यू पॉसिबल है। इसका पावर 4 है, इसमें इसके 4 वैल्यू निकल सकते हैं, x के 4 वैल्यू आएंगे। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो हो जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। जब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x और 2x मिलके 5x हो जाएगा, 3 टू जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इतना आया, अगर हम लोग इसको 0 के बराबर मानेंगे, हम लोग पीछे पड़ के आए हैं, तो लिख लेंगे x प्लस टू को कितने के बराबर मानेंगे? 0 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से एक माइनस टू निकलेगी। इसको अगर 0 के बराबर मानेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 3 निकलेगी। तो हमने देखा कि इसका पावर 2 था, तो x की एक ये वैल्यू आई है और एक ये वैल्यू आई। उसी तरीके से शेषफल प्रमेय से इसको हल करेंगे तो इसमें 3 वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 पावर है, इसलिए x की 4 वैल्यू आएगी। तो यहाँ तक कितना रहने देते हैं, अगले टर्न पर हम लोग बहुपदों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग पढ़ेंगे।